गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह के बज गए हैं 7:30-8:15, और यहाँ पर मैं वॉक के लिए आ गई थी, क्योंकि शाम को ना यहाँ पर काम चलता रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं सुबह ही सुबह, ज़्यादा कोई रहता नहीं है तो इसलिए सुबह ही वॉक कर रही थी। एक्चुअली मैं फ़ोन कहीं पर मतलब ऐसे रख दिया था तो आप लोग को अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो जो शोरूम की सीढ़ियाँ वहाँ पर ही मैंने ऐसे ही रख दिया था कैमरा फ़ोन चालू करके, तो इस वजह से ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। तो जल्दी जल्दी से वॉक कर लेती हूँ आधे घंटे, फिर इसके बाद जाऊँगी घर मतलब अंदर, तो फिर देखेंगी कि क्या करना है मुझे। सुबह का टाइम है तो आप लोग जैसे कि जानते हैं वहाँ पर हमारे यहाँ चेयर लगी हुई है, तो यहाँ पर सब लोग बैठे थे, मम्मी पापा और ये। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और थोड़ा सा वीडियो शूट नहीं किया, आराम किया थोड़ा सा 10 मिनट, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर खाने में मतलब खाना बनाने में लग गई। तो यहाँ पर मैं ना बना रही हूँ भरता। आज हम लोग मतलब वो जो मोटी वाली रोटी है उस टाइप से आइटम बना रहे हैं। मतलब मम्मी ने बोला बहुत दिन से ऐसे ही नॉर्मल खाना रोज़ बनता है, तो आज हमने दाल रोटी और भरता बनाया। तो इसके लिए मैंने ना तेल में हींग डाला है और उसमें लहसुन डाल दिया है, जीरा डाल दिया है और थोड़ा सा हरी मिर्च डाला है, तो उसको अच्छे से भून लिया है। उसके बाद ये देखो प्याज डाल दिया है इसमें, और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद जो भी जैसे नॉर्मल अपन मसाला डालते हैं जो भी सब्जियों में, वही सब डाल दूंगी। और भरते को मैं मतलब क्या बोलते हैं वो बैंगन को भून लिया था मैंने। अब कई लोग बोलते हैं कि आप बैंगन कैसे भून लेते हैं, तो बैंगन का भरता ऐसे ही बनता है, मतलब भूनने के बाद हम लोग देख लेते हैं उसे काट के, तो वो अच्छा होता है तभी डालते हैं, ऐसे थोड़ी डाल देंगे। तो कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप मतलब ऐसे ही देखते नहीं हो, कीड़ा वीड़ा, तो ऐसा बैंगन का भरता तो ऐसे ही बनता है। आप लोग भी बताइए आप लोग कैसे किस टाइप से मतलब बैंगन का भरता बनाते हो। आज पक रही थी और यहाँ पर मैं टमाटर काट रही थी, तो जल्दी जल्दी फटाफट दो टमाटर काट लेती हूँ। तो बस तो ये देखो गाइज, यहाँ पर टमाटर मैंने काट लिया है और यहाँ पर जो भी मसाला डालता है ना मैंने आपसे बताया वो सब डाल दूँगी, और टमाटर भी डाल दूँगी जल्दी से, तो ये पक जाएगा। इसके बाद जो भी मैंने भरता, एक्चुअली हम लोग भरता कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। मतलब इसमें आलू नहीं डालते हैं, वैसे बैगन बैगन ही का बनाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा बैगन थोड़े कम थे, 2-3 ही थे बड़े वाले बैगन के बनाते हैं, और तो बैगन एक्चुअली थोड़ा सा कम था, तो इसलिए हमने एक आलू बॉईल आलू डाला है। वैसे तो हम लोग भरता जो बनाते हैं वो केवल बैगन बैगन का ही बनाते हैं। तो ये देखो ये मसाला बढ़िया सा तैयार हो गया है, और इसमें मैंने ये डाल दिया है टमाटर। तो आप लोग देख सकते हैं ये टमाटर पक चुका है, एक्चुअली मैंने ढककर पका लिया है, और ये देखो ये बैगन है और ये आलू मैंने जैसे कि बताया आप लोग को, तो इसको बॉईल कर लिया था आलू को, तो बस इसमें मिक्स कर लेते हैं। वैसे जो मोटी मोटी रोटी रहती है उससे सब बहुत अच्छा लगता है भरता, तो आज हमने ना थोड़ा दूसरी टाइप से रोटी बनाई है। तो ये देखो ये भरता अच्छे से बन गया है, इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारा मसाला, और बस इसे भून लेते हैं और नमक डाल देंगे। नमक अपने हिसाब से डाल सकते हो आप लोग, कम या ज़्यादा जैसे आप लोग को चाहिए मतलब। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये देखो कितना बढ़िया सा भरता दिख रहा है। और ये मैंने डाल दिया धनिया पत्ती। अच्छा कोई भी सब्ज़ी हो जब तक धनिया पत्ती नहीं पड़ती तब तक कुछ स्वाद ही नहीं आता, और वो अच्छी भी नहीं लगती है देखने में, तो इसलिए यहाँ पर मैंने देखो डाल दिया है धनिया पत्ती, अभी इसमें ही डाल दिया है, थोड़ा सा ऊपर से डाल दूँगी वैसे। तो बस इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। और आज मैंने वो आंवले की चटनी भी बनाई थी, तो ये देखिए मैंने आंवले की चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना 3-4 आंवले लिए हैं, इसे उबाल लिया है कुकर में, 2 सीटी ले ली है, तो ये देखो ये पक गए हैं। और इसमें मैंने 2 मिर्च डाल दी है, हरी धनिया पत्ती डाल दी है मतलब धनिया पत्ती डाल दी है, जीरा डाल दिया है, सफ़ेद नमक डाल दिया है, हो गया। और अब मैं इसे पीस लूँगी तो ये चटनी बढ़िया चटनी बन करते रहिए तैयार हो जाएगी। अभी इस टाइम पर हम लोग रोज ही बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए। अभी जैसे कोरोना में बहुत ही फायदे करता है ये आंवला, तो इसलिए हम लोग इसकी चटनी रोज ही बनाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये आंवले की चटनी बनकर तैयार हो गई है, मस्त ग्रीन। और इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और ये देखिए गाइस, ये हो गई हमारी दाल फ्राई। आज एक्चुअली ये हमने 5 तरीके के जो दाल बनती है वो वाली दाल बनाई है। तो इसमें जो भी 5 राहर की दाल, चना की दाल, मसूर की दाल, मूंग दाल और उड़द दाल, 5 तरीके की दाल मिलाकर बनाया है। और इसे फ्राई कर लिया है। तो देखो कितने बढ़िया कलर दिख रहा है और बहुत ही मस्त लग रही थी खाने में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी हो गई है 11:30 और खाना बनाकर मैंने रख दिया है। और बस आज इतने दिन बाद ये देखो यार, अभी शादी को 1 साल होने को आया, साल भर तो नहीं, 8 से 9 महीने होने लग गए हैं मेरी शादी को। और मैं कब से बोल रही हूँ समझ लो इनसे कि चूड़ी वाला वो जो होता है ना, चूड़ी मतलब आप ड्रॉयर में लगवा लो स्टैंड वैसे, तो वो बना दो। तो वो बना नहीं था एक्चुअली, तो मैंने कब से बोल रही हूँ उनसे। एक्चुअली ये देखो मेरे जब से ना ये बॉक्स चूड़ी के वो रखे हुए हैं, जैसे शादी से होकर आई हूँ तो वैसे ही रखा हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ पर रखूँ चूड़ी, तो इसलिए आज ये ना ये देखो यहाँ पर इसमें ये काम ही कर रहे थे। तो ये नीचे मेरी ड्रेसिंग के नीचे का ड्रायर है, इसमें मैं सोच रही हूँ चूड़ी लगवाने को, ऐसे लंबे लंबे पाइप लगवा लूँगी ना, तो वो चूड़ी अच्छे से सेट करके बन जाएगी तो अच्छा रहेगा मुझे। और वो जगह भी फालतू गंदा भी होता है वो, क्या बोलते चूड़ी जो मैंने लाया था चूड़ी बॉक्स, तो इसलिए आज इतने दिन बाद सूरज उगा है, तो इतने दिन बाद बोलते हुए आज ये काम हो रहा है। तो वही अभी एक्चुअली गए हैं उसमें वो कर लिया है उन्होंने मतलब फंसाने का पाइप। अब पाइप जो है थोड़ी देर बाद जैसे शाम वाम को दोपहर पहर में जब टाइम मिलेगा तो फिर लगा देंगे। तो ये देखो यहाँ पर लगवाऊंगी मैं, आप लोग को दिखाती हूँ। देखो ये चूड़ी बॉक्स रखे हुए हैं, यहाँ पर जो ड्रायर में सामान रखा था ना वो निकला हुआ है। तो यहाँ पर सबसे नीचे वाले ड्रायर में मैं सोच रही हूँ चूड़ी रखवाने के लिए। देखो कब से रखे हुए हैं ये चूड़ी बॉक्स, तो ना वो ऐसे फैले फैले से गंदे भी होते हैं, तो मैंने कब से बोल रही हूँ इनसे। तो बस वही आज करवा रहे थे काम, यह है मतलब थोड़ा बहुत ही है, बाकी है पाइप लगानी है उसमें, बाकी हो गया है। चलिए अब मैं जा रही हूँ बाहर, एक्चुअली आई थी रूम में थोड़ा सा, तो लाइट ऑफ कर देती हूँ इधर। चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ बाहर। और ये देखिए ये वाली बेडशीट बिछी हुई है जो कि मैं कल आप लोग को बताई थी, वही वाली बेडशीट है। और ये साइकिल रखी हुई है, देख कब से साइकिल नहीं चलाई है मैंने, मतलब मेरा वेट बढ़ते जा रहा है और मैं साइकिल चला नहीं पा रही हूँ, मतलब मन सा नहीं होता चलाने का। तो चलिए बाहर चलती हूँ। सो गाइस अभी देखिए 12:30 बजे हैं दिन के, और एक्चुअली आज खाना भी नहीं हुआ, हमारे यहाँ नाश्ता कर लिया सबने। और आप देख सकते हैं कितनी झमाझम बारिश हो रही है एकदम। एकदम से ही पानी आ गया समझो आप। और काफी तेज बारिश हो रही है। देखो जरा ध्यान से। देख ही रही हूँ। कितना आना चाहिए वैसे इसमें? मतलब मेरा 95 क्या होगा आना चाहिए? 98 दिख ही नहीं रहा। क्या करना दिखा कर? हो गया। नहीं दिख रहा है इसमें कैमरा, नहीं आ रहा, साफ नहीं आ रहा।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या वो बोलो बोलो, ज्ञान ज्ञान की ज्ञान की बात है मैडम बातें। बोल रही? ज्ञान की बातें आप लोगों को बताई जाए, थोड़ी बहुत आप लोगों को ज्ञान का आदान प्रदान किया जाए। हालांकि बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, मतलब क्या पता पता भी नहीं मेरे को इतना ज्ञान है। हाँ, ठीक, जो भी ज्ञान है थोड़ा सा है, वही ज्ञान नहीं है है। पर, लेकिन ज्ञान की नहीं कहूँगा मैं ज्ञान, क्योंकि अपने को नहीं, उतना अच्छा है ये नहीं। वाला, ये भी रख दी इसके अंदर। ज्ञान जो है उतना नहीं है, लेकिन बात अपने काम की है। काम की ऐसी है कि अभी कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, सभी एरिया में जो है कोरोना हो गया। पहले बड़े शहरों में था, लेकिन अब सब जगह बराबरी से हो गया, कहीं कम नहीं है। सब जगह पर्याप्त मात्रा में कोरोना फैल चुका है। तो कोरोना के लिए सभी लोग ऑक्सीमीटर के लिए बोल रहे हैं, डॉक्टर वगैरह। तो ऑक्सीमीटर है तो अच्छी चीज़, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेवल आपका बता देता है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी हो रही है, आपके लंग्स कैसे काम कर रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोरोना सबसे मेन, मतलब बाकी तो ठीक है, मतलब जो उसके सिम्टम्स हैं, बुखार हो गया, खांसी हो गया, और जो जो सिम्टम्स होते हैं वो सब तो ठीक है, पर लेकिन मेनली जो कोरोना है वो आपके लंग्स पे इफेक्ट करता है, और ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो जाता है। कोरोना का एक ही जो है सबसे मेन माइनस पॉइंट है, सबसे एक ही माइनस पॉइंट नहीं, मतलब सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि कोरोना सीधे आपके लंग्स पे इफेक्ट करता है। तो लंग्स का मतलब अपने को जानना है तो वो कैसे जानेंगे? ऑक्सीमीटर से आप जान सकते हैं कि आपके लंग्स कितना वर्क कर रहे हैं, कितना ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। तो सब कोई अपने घरों में ऑक्सीमीटर रखिए, अच्छी चीज़ है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि इसका यूज़ उतना नहीं है, एक बार दो बार चेक किया और हो गया, फिर पड़ा रहेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, और मैं कहता हूँ किसी को कोरोना ना हो, मतलब किसी को भी ना हो, ऑक्सीमीटर ले आओ, 10 ले आओ, लेकिन कोरोना ना हो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। तो इसलिए सब कोई ऑक्सीमीटर लाइए। इसका यूज़ आपको तब समझ में आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है। वायरल भी इस समय बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो वायरल के कारण भी लोगों का पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है ऐसा सुनने में आ रहा है। एग्जैक्टली मुझे उतना सही पता नहीं है, पर लेकिन सुन रहे हैं कि जिसको वायरल है तो उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। तो ऑक्सीमीटर एक सबसे बढ़िया तरीका है, घर बैठे बैठे आप जान सकते हैं कि आपके ऑक्सीजन लेवल क्या है। और मैं ये नहीं कहता कि अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो तो आप डायरेक्टली कोरोना टेस्ट करवा लें, खैर टेस्ट करवाने में भी कोई हर्ज नहीं है, पर लेकिन एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर आप कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। और बाकी सब लोग अच्छे रहें, सेफ रहें, घर पे रहें। अब हम लोग भी आजकल ज़्यादा निकलना विकलना, आजकल क्या काफ़ी समय से बंद ही हो गया निकलना। और आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। कोरोना, क्योंकि देखिए कलर तो बताता नहीं कि लाल है तो कोरोना, पीला है तो कोरोना नहीं है, तो पता नहीं चलता, ये दिखता नहीं है। मेरे कुछ पहचान वालों को भी कोरोना हो गया है, मेरे फ्रेंड को हो गया है। तो भाई है तो बेकार चीज़ यार, देखो क्यों परेशान होना, सब काम होता है अब देखो घर पे। सचालिया में मौसा जी कोरोना से। हाँ चलिए, मैं मौसा जी बहुत, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत दुख की बात हो गई, क्योंकि क्या है बेवक्त जो है ऐसा काम हो जाता है, तो क्या है बहुत, मतलब बहुत तकलीफ होती है यार। मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना ख़राब, उनको पता भी नहीं चला कब उनके ऑक्सीजन लेवल कम हो गए, कब उनको समस्या हो गई, कब मतलब इतना बढ़ गया कि पता भी नहीं चल पाया। और मेरे ख्याल से 2-3 दिन ही लगे थे उनको ज़्यादा, मतलब 2 दिन में 2-3 दिन में ही उनका इतना बढ़ गया कि पता नहीं चला। तो इसलिए क्या है, मैं मतलब आज आया ही इसीलिए हूँ, और ऑक्सीमीटर की बात इसीलिए कर रहा हूँ, और कोई कारण नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग भी, सब कोई अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ कोरोना से बच के रहिए। बहुत मतलब आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने आप को सेफ रखिए। तो चलता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे, बाय बाय। और कोरोना से बच के रहना भी है, घर में रहें, यही समझ के निकले बाहर कि सामने वाले को कोरोना है।